बिग बॉस 14 के घर में कल हुए कैप्टनसी टास्क के दौरान रूबीना दिलेक और एजाज खान के बीच में हुई थी कहासुनी, जिसके बाद आज की सुबह मनु पंजाबी किचन एरिया में एजाज और रूबीना के साथ कुछ बात करते हैं, जहां एजाज और मनु मजाक में शुरू करते हैं रूबीना की टांग खिंचाई, जहां पहले एजाज मनु से कहते हैं कि रूबीना जी ने मुझे ऐसे ही कहकर फ्रेंडशिप में फंसा दिया कि आपका बर्थडे 28 को है और मेरा 26 अगस्त को, तभी हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये तो बड़ी खतरनाक निकली। मनु कहते हैं कि मैंने भी बिग बॉस को डिकोड करते हुए समझ लिया है कि रूबीना जी का वार कभी खाली नहीं जाता, वो अपने विरोधी कंटेस्टेंट को इस तरह मात देती है कि वो एविक्शन का इंतजार भी नहीं करता और सीधा मुख्य द्वार से चला जाता है, चाहे वो चंद्रमुखी चौटाला हो जो ऐसे ही झगड़ते झगड़ते मुंह उठा के सीधा बाहर निकल गई, या फिर बेचारा राहुल वैद्य हो जो आधे घंटे पहले आपसे झगड़ रहा था वही सर के सामने एकदम से कहता है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो ये बात तो पक्की है कि ये अपने दुश्मनों का इतना भी वेट नहीं करती कि पब्लिक निकाले, खुद ही उनका रास्ता तय करती है। यहां रूबीना भी अपनी सफाई में कहेंगी कि लोग मेरी अच्छाई से इतना जलते हैं कि पीठ पीछे बातें करते हुए थकते नहीं। एजाज कहेंगे कि आप अपने विरोधी के सबकॉन्शियस माइंड से इतना खेलती है कि वो बेचारा तंग आ जाता है। कविता और राहुल के साथ भी इन्होंने यही किया, उनके सबकॉन्शियस माइंड से खेल के उनके दिमाग में इतना इंसेप्शन डाल दिया कि वे लोग यहां से भाग निकले। जहां मनु भी ऐड करेंगे कि ये लोगों के दिमाग में घुस घुस के उनके दिमाग से खेलती है। ये सारी बातें अभिनव बाहर बैठ के सुन रहे थे और जैसे ही रूबीना बाहर जाती है वे कहते हैं ये दोनों मिलकर सुबह सुबह क्या बकवास कर रहे हैं। जहां रूबीना कहेंगी कि मनु मस्करिया है, बस मस्ती कर रहा है, लेकिन अभिनव ये सारी बातें अलग नजरिए से सोचते हैं और कहते हैं कोई मस्करिया नहीं है, ऐसा तुम्हें लगता है, वो जो भी बातें बोल रहा है वो असल में वही सोचते हैं, उन्हें एक्चुअल में ऐसा लगता है इसीलिए तुमको बोल रहे हैं। तो व्यूअर्स क्या लगता है आपको, मनु और एजाज ने जो कहा वो बात सही है या फिर कविता और राहुल की वॉलंटियर एग्जिट में रूबीना को कुछ लेना देना नहीं था?